Before I start this video, how does this look like? So comment में बताओ कैसा लगा. अगर अच्छा लगा तो ठीक है, I'll continue with this else. अपने डैड की फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा हिंदी में हो. बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो ये व्लॉग तुरंत अत्यंत, नहीं है और कोई काम. Today's video is about the behind the scene of my previous video. In case you haven't watched the previous video, मैं pause करता हूँ. Click on that I button popping up right now here. देख लिया, enjoy. इस lockdown के दौरान मैंने इस video को कैसे edit किया, ये अपने आप में एक कहानी है. सच्ची. आज का वार्तालाप शुरू करते हैं. Let's get started. दुनिया में कोरोना नामक एक वायरस मंडरा रहा है और हम सब हो गए अपने घरों में लॉकडाउन, न जाने कब तक. तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई जाए. Hi guys, this is Umang. I'm sure you guys are doing absolutely great. So, lockdown, day 51. Almost 2 months now. और इस दो महीने में बहुत कुछ हुआ. ठंड से गर्मी आ गई. अब मैं सिर्फ पसीना पोंछते रहता हूँ. जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, तो मैंने सोचा था कि मैं बहुत एक्टिव रहूंगा. ये पीरियड मेरे लिए चेंज का है. ये समय वो समय है जहाँ मुझे अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है, अपलोड करना है, तबाही मचा देना है, सब कुछ करना है. बट एक्चुअली में सब उल्टा हो गया. जितना लेजी हुआ करता था उससे ज्यादा लेजियर हो गया. देखो, ना सोने का समय, ना उठने का समय, ना खाने का समय, ना पीने का. तो A few moments later. दिन रात में बदल चुका है और रात सुबह में ढल चुकी है. मेरा सनराइज, मेरा सनसेट, सनसेट, मेरा सनराइज, जिंदगी मेरी ऊपर नीचे. सिर्फ और सिर्फ आलस. अकेले मेरे साथ ऐसा केस नहीं है. सो ठीक है, थम जाओ. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वीडियो इन 4 parts. नंबर 1, हिंदी में इसे अपने आलसी पिछवाड़े को मूविंग माई लेजी एस, अपनी आलस को दूर भगाना. दिन भर सोया हुआ है, अभी भी बहुत नींद आ रही है. नंबर 2, प्रॉब्लम्स आई फेस ड्यूरिंग दिस एडिट. इस वीडियो को एडिट करते हुए मुझे कहां सबसे ज्यादा मुश्किल है. देख रहे हो मेरा लैपटॉप, बड़ा सुंदर सा है एकदम मस्त. प्रॉब्लम ये हो गया है लैपटॉप की बैटरी लाइफ. अब मेरा लैपटॉप जो है उसमें मैं काम ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे इसे चार्ज पे लगाना पड़ता है रात भर. नंबर 3, क्या क्या चीजें गड़बड़ा गई. हेलो हेलो ब्ला 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 ब्ला. ओके, क्या कर रहा हूँ मैं. आई मीन लॉकडाउन कम था जो स्टोरी की माँ की आंख हो गई है. ऑलिव ने मेरा ओरिजिनल एप्पल चार्जर बोलते हुए तकलीफ हो रही है यार. तो अभी मैं आ गया था नेहरू प्लेस, सॉरी, मेरे जान पहचान की यहाँ दुकान दी है, तो मैंने उससे ले लिया एक मैकबुक का टाइप सी टू टाइप सी केबल. वैसे मैंने एक ऑलरेडी अमेजन से मंगा रखा है. अमेजन का प्रोडक्ट मुझे 1000 रुपये का आ रहा है, ये मुझे 600 रुपये का मिल गया नेहरू प्लेस में. मैं अमेजन का प्रोडक्ट रिटर्न कर दूंगा अगर ये चल जाता तो. अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस. काम करते करते सो गया ये बैठे बैठे. मुझे पता नहीं मैंने आखिरी क्या बोला था. ओ भाई, आज कुछ खास हुआ नहीं. देख रहे हो, ऑन नहीं हो रहा. ये पड़ा पड़ा ही बैटरी इसकी डेड हो गई. 3 दिन पहले की बात है, ये क्वारंटाइन 21 दिन का शुरू होने से पहले, तो मैंने ये जुगाड़ करके नेहरू प्लेस से लिया था. ये जो जॉइंट होता है ये वाले में हो गया था ढीला, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स दे रहा था, चार्ज नहीं हो रहा था. तो मैं इसको पिछले 1 घंटे से कोशिश करा मैंने लगाने का. इसे इस बार मैं ऑलिव को ब्लेम नहीं करूंगा, इस बार गलती मेरी है. तो ये वायर भी गया. चार्ज तो हो रहा है, तो एडाप्टर में ही हो रहा है. लेकिन इसका कैच है, इसका एडाप्टर का जुगाड़. ये भाई साहब 40G एडाप्टर है जिसे मैंने नॉर्मल वायर टू टाइप सी का उसको लगाया है और चार्ज हो रहा है. आप देखते हैं कितना चार्ज हुआ है. अभी तक 66% ही चार्ज हुआ है. एडाप्टर से पावर आती है 81 वॉट्स की थंडरबोल्ट चार्जिंग की. उसके लिए ये वायर कंपैटिबल नहीं है, इसलिए बहुत धीरे चार्ज हो रहा है. इसको अब यूज़ करके कोई फायदा भी नहीं है जब तक ये फुल चार्ज ना हो. लग गई वाट, पता नहीं चार्ज हो रहा है अभी कि नहीं. ये हार्ड डिस्क हटा दो, क्रैश ना हो जाए. एक तो समझ नहीं आ रहा यार ये हो क्या रहा है यार. ये आवाज़ आई मतलब चार्ज हो रहा है. वाला यहाँ पे कुछ ऐसा सीन चलेगा तो कैसे होगा. यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब किए बगैर कभी मत जाना भाई. With that being said, I hope you guys have a great night. Good night. Go to sleep now. Bye.
On a contrary, मेरे को एक आइडिया आया है। भैया का OnePlus का McLaren चार्जर है, उसका डेटा केबल इज प्रीटी हाई स्पीड, फाइबर ऑप्टिक का यूज कर लेते हैं। So just take my laptop and adapter. कहाँ पे केबल? अंदर ही है। सच बताऊँ तो इट्स रियली फन टू शूट व्लॉग डेली लाइफ। इसे क्या ना, यू गेट टू नो दैट हाउ डिड यू इवॉल्व एंड हाउ डिड यू यूटिलाइज दिस टाइम ऑफ क्वारंटाइन एंड ऑल। सो दिस इज द वायर आई एम टॉकिंग अबाउट। ये McLaren का चार्जर है, वॉप चार्जर है। इसका बिल्ड प्रीटी हाई क्वालिटी। टाइम चेक, इट्स 3:35 राइट नाउ। मैं इसको चार्ज पे लगा रहा हूँ। ओके, चार्ज हो रहा है, जीरो चार्ज है। अब लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट टेक्स। सो फॉर द नेक्स्ट एन नंबर ऑफ आवर्स मैं काम नहीं कर सकता, तो मैं जा रहा हूँ सीरीज देखने के लिए। बाय बाय। कैमरा तो ले जाने ही भूल गया था। क्योंकि ओरिजिनल चार्जर नहीं था, इस वजह से मेरे लैपटॉप में बैटरी इश्यूज आने लगे, रिगार्डलेस ऑफ कितना देर भी चार्ज कर ले। लेकिन ये चलता था सिर्फ एक घंटा दो घंटे तक, मैं बराबर आराम से काम कर सकता हूँ। दैट मींस मेरे पास वीडियो एडिट करने के लिए खाली डेढ़ घंटे का समय था दिन में, और सिर्फ वीडियो एडिट नहीं, और भी अदर टाइप्स के काम होते थे जो मुझे करना होता था। फाइनली जब सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया, उन जुगाड़ के बाद क्या गड़बड़ी हुआ। समटाइम्स क्या होता है ना कि आपकी कहानी कहीं ना कहीं छूट जाती है, आपके विजुअल्स, आपके फुटेजेस, उस जगह म्यूजिक से काम नहीं बन रहा। कोई कहानी नहीं थी मिल रही थी यार, कि रैंडम मैंने GoPro उठा के एक दिन पूरा शूट कर दिया। एक दिन का शूट करने के बाद आके देख रहा हूँ फुटेज, भाई तो भर के 25-30 GB की फुटेज हो गई। अब मैं क्या करूँ, मतलब दिमाग नहीं चलता है क्या कहानी दिखाएं, इस वीडियो का पर्पस क्या है, ऐसा क्या दिखाएं जो लोगों को मजा आएगा। बहुत सारी क्वेश्चंस आई थी एंड इनका जवाब नहीं मिल रहा था। मतलब दिमाग का ना बम हो रखा था। तब मेरी फ्रेंड थी, एक्चुअली मोटिवेटेड नहीं है मुझे, बहुत उसने बताया कि ऐसे कर वैसे कर। एज अ व्यूअर उसने मुझे काफी अच्छे सजेशंस दिए। आई केम अप विद एन आईडिया ऑफ नैरेटिंग द स्टोरी। आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। लेकिन हेलो हेलो, यू हियर दिस इको? टुडे इज 3 अप्रैल, मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग करना। अगर आप ये सुनो अभी, सुबह सुबह की बात ही कुछ और है। अब इस ऑडियो को ध्यान से सुनो, सुबह सुबह की बात ही कुछ और है। इको हुआ? इसका मैंने एक जुगाड़ लगाया। Well, इसके लिए I would like to thank Peter McKinnon's video. And as you can hear, because it sounds like total garbage, sounds like this, what to do? सबसे बेस्ट तरीका यही है, कोई भी ब्लैंकेट ले लो, थोड़ा मोटा हो चलेगा। So you can use this as your sound diffuser. आपका आवाज दबा देता है। ये मैंने इस पे रिकॉर्ड किया है, अब देखो ये कैसा आवाज आ रहा है। सुबह सुबह की वो चाय, वो फ्रेश बने हुए पोहे। ईगो खत्म। कैसा लगा? आई थिंक दिस विल हेल्प यू। ओके, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच इट एंड लर्न इट, हाउ यू कैन हेल्प योरसेल्फ। एज वी ऑल नो, रिसोर्सेज की कमी है, बैटरी इज ड्रेनिंग वेरी फास्ट। मैंने फटाफट शूट किया, रिकॉर्डिंग किया, फटाफट मैंने वॉइस ओवर को डाला इंस्टेंट, और फाइनली इतने मेहनत मशक्कत जो आपने देखा, जैसे तैसे कर उड़ा के रगड़ उड़ा के म्यूजिक डाला, फुटेज डाला, वॉइस एडिशन डाला, बीरोल्स डाले और रेंडर मारा। अब रेंडर भी ऐसे आसानी से होने वाला था? भाई मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, चार बार रेंडर मारने की कोशिश किया, चारों बार में भाई ये भाई साहब बैटरी फटा से खत्म हो रहा है। दो दिन लगा के, एक पूरी रात लगाई, एक दिन अगले दिन सुबह लगाया, 100% चार्ज किया, एंड देन आई फाइनली रेंडर्ड इट। And then you guys watch the video. So this was the entire story of how I made the previous video possible. Yeah, I hope you guys enjoyed this video, and if you did, make sure you hit up. Actually, बताने की क्या ज़रूरत है? You know the drill. Like, share, comment करो. Whatever you feel like. शुरू में जो पूछा, इसके बारे में मस्त से subscribe करो. ये नीचे दिख रहा है लाल बटन? फटाक से इसको दबा दो. अगला video is gonna be really cool. Surprise है. मिलते हैं अगले video में. Bye. इस वीडियो के चक्कर में मैंने पूरा पंखा को एक नंबर पे रखा था भाई, गर्मी आ गई है, तेज चलो। आ, आ, आ।